पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शनिवार को मंडी चौक स्थित अताई मोहल्ले में बाबा देवी साहब की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भक्तों ने भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें लक्ष्मी नारायण मंदिर के तत्वाधान में कार्यक्रम को सफल बनाया गया, जिसमें महिलाओं ने भी ढपली व ढोलक बजाकर भजनों का ऐसा समा बांधा कि सभी भक्त बाबा की भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान सुधीर कुमार शर्मा, कन्हैया लाल टंडन, जयवीर सिंह, मदन लाल चौधरी, महेंद्र शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आज का ये उत्सव परम संत बाबा देवी साहब के 100वें परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये स्थान परम पवित्र स्थान है। बाबा देवी साहब यहाँ रहा करते थे। बाबा देवी साहब का अंतिम क्षण भी यहीं बीता, अताई मोहल्ले के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, वकील साहब बुलाकी दास जी के मकान के अंदर आप किराए में रहा करते थे। यहाँ पर रह कर के आपने संत मत का प्रचार किया। आपने संत तुलसी साहब की लिखित पुस्तक घट रामायण का भी दोबारा उसको छपवाया, उसकी गलतियों को दूर करके उसको परिमार्जित किया। परम संत बाबा देवी साहब का उपदेश था जो संत मत कहा, संत मत को ही उन्होंने अगाड़ी बढ़ाया। संत मत में उन्होंने कहा कि बाहर में भटकने की जरूरत नहीं है, ईश्वर अपने अंदर है, आप ध्यान साधना के माध्यम से उसे प्राप्त कर सकते हैं, बाहर आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करने के लिए माया का सहारा नहीं लिया जा सकता, केवल आत्मा के सहारे से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम, तो बाबा साहब जब यहाँ आगरा से ट्रांसफर होकर के पोस्ट ऑफिस में आए थे तो 30 साल उन्होंने सेवा पोस्ट ऑफिस में की, उसके बाद संत मत के प्रचार में जुट गए। उनके गुरु संत तुलसी साहब थे और यहाँ आकर के उन्होंने BRS लेकर के रिजाइन करके सारे हिंदुस्तान के अंदर भ्रमण किया, प्रचार किया। कराची गए, महाराष्ट्र गए और बिहार के अंदर तो बस पूरा का पूरा बिहार ही रंग गया। बिहार के अंदर उनके एक शिष्य हुए मेही साहब, संत मेही साहब, जो सभी लोग उनको जानते हैं और ये संत मत फूल रहा है, फल रहा है, अनंत अनुयायी हैं, बहुत लोग इसके पीछे पड़े हैं, चल रहे हैं और ये आगाड़ी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। व्यासानंद जी महाराज के संरक्षण में काफ़ी फल फूल रहा है और अनेक देश के हिस्सों में तथा बाहर भी इसका पूर्ण रूप से वो प्रचार हो रहा है। अब ये बरगद के पेड़ की तरह से है, सभी सज्जनों से प्रार्थना भी है इससे जुड़े और धर्म लाभ कमाएं।